हरियाणा के रोहतक में पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने एक बार फिर से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष ग्रोवर ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा न जाने किस दुनिया में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काम देखकर प्रदेश का उद्योग क्षेत्र तरक्की कर रहा है। शायद दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा के मानचित्र का पता नहीं है। अगर उन्होंने प्रदेश हित में कुछ किया होता तो उन्हें जरूर पता होता। फिलहाल अभी ये अपने पिताजी से राजनीति सीख रहे हैं। दीपेंद्र जी पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। अभी ही IMT का एक प्रोजेक्ट मरुति का 900 एकड़ में खरगोता में दिया है, और खाली वो खरगोता नहीं पूरे प्रदेश में। और अभी भी हमारे यहाँ आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो वर्किंग है उससे देखते हुए सारा उद्योग हरियाणा की तरफ आ रहा है। शायद दीपेंद्र जी को अभी हरियाणा का चित्र पता नहीं। शायद अगर इन्होंने किया कुछ होता तो शायद पता होता। अभी पिताजी से ये सीख रहे हैं, थोड़ा सा सीख रहे हैं। तो वही मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा द्वारा लिखे गए पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश और प्रदेश की चिंता नहीं है। कांग्रेस में हर समय गुटबाजी देखने को मिलती है, इसलिए जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है। हर एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को नकार रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश की जनता का भरोसा मिल रहा है। कांग्रेस तो आज अपनी चिंता उनको लगी है, देश की चिंता है नहीं, न प्रदेश की चिंता है। कांग्रेस ने जनता नकार रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की जिस तरह का ये इनका माहौल है कि जनता इन पर विश्वास करे। आज केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बनता आ रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा लगाने के अभियान को लेकर मनीष ग्रोवर ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि देश के लिए शहीद हुए वीर सपूतों की याद में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, लेकिन अब सरकार ने तिरंगे को सम्मान के साथ उतार कर रखने के लिए कहा है, इसलिए हर व्यक्ति को घर पर लगे तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतार कर रख लेना चाहिए ताकि देश के झंडे का अपमान न हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने 75वें अमृत महोत्सव पर उन शहीदों को याद करने के लिए 15 अगस्त को अपने घर घर तिरंगा लहराए, और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं या जिनके माँ के बेटे हमारे भारत की रक्षा में बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी दे देते हैं उनको याद किया। अब मैं आपके चैनल से मैंने अपील करता हूँ तिरंगा को उतार कर उसको सीख से लपेट कर कर अपने पास उतार कर नीचे रखें, ये मेरी आपके चैनल में अपील। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार के काम की तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, अब जनता को कांग्रेस के नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।